हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पल्सर 220 का PS6 का जैसे कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर डालने वाले हैं और जो सेल्फ रिले है वो डालने वाले हैं। तो जैसे गाइस, कभी कभी सेल्फ नहीं लग रहा है, जो कुट कुट आवाज़ में आ रहा है, जो कि रिले ख़राब हो चुका है। तो हम जैसे कि जाकर शॉप से रिले लेकर आ गए हैं, देख सकते हैं 478 रुपये MRP है और बजाज का ओरिजिनल है। तो इसको हम बदली करेंगे और ऑयल टेम्परेचर सेंसर बदली करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी आ चुका है। तो अभी हम इसको लगाएंगे इसमें और देखते हैं गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स निकलता है। और जैसे कि हमारा गाड़ी जो है ऑटोमेटिक चोक लग जा रहा है, ये सेंसर जो है ऑयल टेम्परेचर सेंसर टोटल बॉडी को भेज नहीं पा रहा है और ऑटोमेटिक चोक लग जा रहा है। तो इसको हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स निकलता है। तो गाइस, फटाफट चेंज कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं हम इसको पिन्नी से बाहर निकाल लिए, अभी इसको लगाएंगे इसमें। तो देख सकते हैं ये दोनों है, ये जैसे कि जूना वाला है और ये नया वाला है। अभी हम इसको इसमें लगाते हैं और देखते हैं। तो इसका एक कपलर है, अभी हम इसको इसमें लगा देंगे। तो देख सकते हैं इसको आसानी से इसे खोल सकते हैं। तो जैसे भी आपके पास पल्सर 220 है, ओल्ड वाली भी है तो उसमें भी लगता है। तो इसको डालने से क्या होता है, जो हमारा ऑटोमेटिक चोक लगता है वो चोक लगना बंद हो जाएगा। जब ये ख़राब हो जाता है तो ऑटोमेटिक चोक लग जाता है और जो टोटल बॉडी है इसको सिग्नल नहीं भेज पाता, इसके लिए चोक नहीं हट पाता है। तो जब भी गाड़ी ठंडी रहती है तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देता है। तो आपके पास भी ओल्ड मॉडल है या PS6 है तो देखेंगे गाड़ी स्टार्टिंग नहीं ले रहा है। अगर ये ख़राब है तो आप चेंज कर देंगे तो आपका एवरेज काफ़ी अच्छा आएगा और गाड़ी स्मूथ चलेगा। तो अभी हम इसका जो है ऑयल टेम्परेचर सेंसर डाल दिए हैं और जो है इसका रिले है उसको भी डालते हैं। और देख सकते हैं ये स्टार्टर रिले है, इसको बदली करेंगे, जो काफ़ी अभी अलग बना दिया है सेंसर को। और जो हमारा स्टार्टर है वो बराबर लग नहीं पा रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको जैसे कि जूना बाहर निकालेंगे और न्यू डालेंगे। तो अभी इसको भी फटाफट चेंज कर लेते हैं। तो गाइस, तो जैसे देख सकते हैं रिले बाहर आ चुका है और इसको निकालने के लिए ये हमको जो सर्किट है इसको ओपन करना पड़ेगा। और देख सकते हैं बोल्ट पे कितना कार्बन लग चुका है। और ये सर्किट को बाहर निकाल के फिर हम इसको न्यू जैसे कि नया वाला जो सेल्फ रिले है उसको लगाएंगे। तो देख सकते हैं जैसे कि ये साइड साइड से जो रिले का जो गोंद रहता है, जैसे कि चिपकाया रहता है, इसको वो छोड़ दिया है और इधर होल हो गया है। तो हो सकता है इसकी वजह से भी एक्सपायर हो सकता है या पानी जाने की वजह से इसके अंदर जो है सर्किट में कार्बन लग गया होगा। तो आप जब भी नया डालते हैं तो ये जो देख सकते हैं इस पे कार्बन आया हुआ है, तो इसको क्लीन कर लीजिए। और ये जो सर्किट है देख सकते हैं दोनों पे कार्बन आ चुका है, तो इसको हम फटाफट पॉलिश पेपर से या रिब्लेट से उसको साफ़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसको पॉलिश पेपर से क्लीन कर लिए हैं। अभी गाड़ी को जैसे कि जो सेल्फ रिले है उसको लगा के देखते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कैसा स्टार्टिंग हो रहा है इसका। तो देख सकते हैं ये रिले है, अभी इसमें जो हमको नया बोल्ट मिल गया है और ये जो उसमें दिखाया था कि साइड साइड से छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है और देख सकते हैं बजाज का है और पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसको लगा लेते हैं और फिर देखते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि हम इसको फिटिंग कर दिए हैं और इसको अभी इग्निशन ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी ये चाबी लगाए, इग्निशन ऑन हो गया और इसको जैसे कि सेल्फ स्विच दबाते हैं तो देख सकते हैं एक ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। और जो चेक लाइट आ रहा है इसको OBD सेंसर से लगा के इसको पूरा गाड़ी स्कैन करना पड़ेगा, जैसे कि अपडेट करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक चले जाएगा। तो अभी हम देख सकते हैं और गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो हमारा गाड़ी है एकदम क्लियर हो चुका है। तो गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।